अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। आज बनाएंगे हम पुदीना और हरी धनिया की चटनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ले लिया है, हरा धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, उसके अलावा मिर्चें ले ली हैं, लहसुन ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है और इमली का पल्प ले लिया है। तो हम इन सबसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटनी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी ले ली है, इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी धनिया और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पुदीना। जब तक मैं तमाम चीज़ें ऐड कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर अब हम जो है ज़ीरा, लहसुन और मिर्चों को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का गूदा। आप थोड़ा ज़्यादा भी अगर खट्टा खाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ये इमली का पल्प थोड़ा सा बचा था तो इसी में मैंने पानी ले लिया था ताकि ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स 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 इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल ये पेस्ट फॉर्म में हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी चटनी बन चुकी है। अब इसको तहरी के साथ, आप खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ, इवन के आप इसे किसी भी दाल चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं और अच्छे तरीके से बंदा पेट भर के खाना खा लेता है क्योंकि चटनी बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ चटनी जो है आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।